होता है। बाद में जब ये रेड साड़ी या कुछ लगाना तो उसमें मैं ये गोल्डन पहनूंगी, क्योंकि ब्लैक के साथ ये गोल्डन बहुत ही कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है, तो मुझे ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट नहीं करना है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वर्सेटाइल ब्लॉगर साई ज्योति, एंड मैं हूँ आप सबकी प्यारी चहेती साई ज्योति। एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट गाइस, हैप्पी मकर संक्रांति टू यू ऑल। कल एक्चुअली मकर संक्रांति है, आज लोहड़ी है 14 को, देन कल 15 को मकर संक्रांति है। आई डोंट नो ये डेट कैसे चेंज हो जाता है, क्योंकि एवरी ईयर हम लोग 14th ऑफ जनवरी एज ए मकर संक्रांति सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, बट अभी कुछ सालों से 15th को आ रहे हैं, तो वो रीज़न तो मुझे नहीं पता है। बट आज मकर संक्रांति है, तो आज के दिन पे हार्वेस्ट डे बोला जाता है। तो कल मकर संक्रांति है गाइस 15 को, देन आज के दिन हम जितने भी कंदमूल्स है वो निकालते हैं, वो हमारे रिवाज के हिसाब से, वो मैं आपको बता रही हूँ। हर एक का अलग अलग रिवाज रहता है, तो हमारे रिवाज में ऐसा है कि आज के दिन पे हम लोग सब कंदमूल्स लेके आते हैं, देन उसको बॉयल करते हैं, एंड तिल गुड़ हम लोग बनाते हैं, और फिर कल जो संक्रांति है मॉर्निंग में उठ के हम भगवान का पूजा करके उसे हम लोग ग्रहण करते हैं। वेदांत देख रहे हैं मुझे तो जो भी जितना बॉयल किया हुआ चीज़ हम कल के दिन पे, संक्रांति के दिन पे अर्ली इन द मॉर्निंग नहा धो के पूजा करके खाते हैं। तो आपका रिवाज के हिसाब से तो पता नहीं क्या है, बट ये हम लोग का रिवाज है, तो वो मैं दिखाने जा रही हूँ आपको कि मैंने क्या क्या लाया है कंदमूल्स में, एंड तिलगुड़ भी बनाऊंगी गाइस। तो सब में शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी, एंड कल के दिन मकर संक्रांति है, तो कल हम लोग मेरी दोस्त का जो न्यू शॉप का ओपनिंग का इनॉग्रेशन डे है, तो हम लोग वहाँ पर भी जाने वाले, तो मैं आज से कल तक का ब्लॉग कंटिन्यू करूंगी गाइस। सो अब देखते हैं कि क्या क्या कंदमूल्स लाए हैं एंड उसको किस तरह से अब बनाना है गाइस। सो स्टे ट्यून्ड। सो ये सब हमने कंदमूल्स ला के भिगो के रखा है, तो अभी हम इसे धो के कुकर में डाल देंगे गाइस। मुझे इसका इतना नाम नहीं पता है, एक दो का ही नाम पता है, मतलब ये एक तो है पोटैटोस, स्वीट पोटैटो, एंड कप्पा है, एक याम है, एंड बाकी का नाम नहीं पता गाइस। गाइस अभी तिल गुड़ बनाने के लिए सेम क्वांटिटी में तिल एंड गुड़ लिया है, और थोड़ा सा इलायची लिया है। देन अभी हम एक पैन गरम करेंगे और इसमें हम तिल को रोस्ट कर देंगे और थोड़ा सा ब्राउन होने तक। सो गाइस ये मेरा नेक्स्ट मॉर्निंग है, एंड अभी नहा धो के मैं बाहर आई हूँ।
तो अभी थोड़ा सा बिटवीट में मिलाना है, थोड़ा सा बाल को सिकाऊंगी और अंदर वेदन ना रहे, तब तक मैं थोड़ा सा लोशन लगा दूंगी अपने हाथों में और पैरों पे, ताकि विंटर है तो केयर रहे अपना स्किन का। हे वेदन, क्या कर रहे? ऐसा शैम्पू लगाया? हाँ। चड्डी खोला नहीं? तो आज गाइस काम वाली मेरी नहीं आने वाली है, इसलिए मैं अभी जल्दी जल्दी अपना काम निपटा लूँगी ताकि मैं जल्दी जल्दी कर पाऊँ, एंड पूजा भी करना है और इसके बाद में वेदांत का डांस क्लास के लिए निकलना है, इसके लिए मैं अभी बहुत जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ। सो गाइस वेदान भी नहा धो के आ गया है, अभी हम लोग हो जाएंगे रेडी। हैप्पी मकर संक्रांति टू यू ऑल। हैप्पी मकर संक्रांति वेदान। सो गाइस दोनों का नहा धो के हो गया है, वेदान का भी और मेरा भी, और सुरेश तो घर पे नहीं है, वो गया है मैराथन के लिए, टाटा मुंबई मैराथन है आज, तो एज अ वॉलंटियर वहाँ पर गया है, तो सुबह कल रात को ही गया था, तो अभी मैं और वेदांत ही है एंड भाई सुबह सुबह 6:30 बजे ही चले गए, तो अभी हम दोनों जो भी है संक्रांत का जो पूजा करते हैं, तो अभी वो हम लोग दोनों पूजा करने वाले हैं, तो अभी हम लोग माँ बेटे पूजा करेंगे गाइस, जो भी कल हमने रात को बनाया था वो सब अभी हम लोग भगवान को चढ़ाते हैं एंड उसके बाद में खाते, एंड वेदन अभी तैयार हो के ही रखा है क्योंकि उसका 11 बजे का डांस क्लास है, तो हमको थोड़ा पूजा करने में टाइम लगेगा, देन फिर रिवाश करो, देन खाओ पियो, तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसके लिए उसको पूरा अपना डांस का कपड़ा में ही रेडी किया है। उसके बाद में गाइस जब हम लोग सूरज घर पर आ जाएगा, देन हमारा एक दोस्त का न्यू शॉप का ओपनिंग है, ओपनिंग सेरेमनी है, तो हम लोग वहाँ पर भी जाने वाले हैं, तो वहाँ का भी मैं ब्लॉग शूट करने वाली हूँ। वंस अगेन हैप्पी मकर संक्रांति टू यू ऑल गाइस। ये वेदन क्या कर रहे हैं? फोटो ओके। ओहो, तो हम दोनों का जो रिवाज के हिसाब से जितने भी कंदमूल से वो हम लोग ने थोड़ा थोड़ा लिया है, क्योंकि घर पे सूरज नहीं है तो माँ बैठे थोड़ा सा खाएंगे और बाद में जब सूरज आ जाएंगे तब भी थोड़ा खाएंगे। चलो बैठो वेदन, जल्दी जल्दी खाओ पापा। बहुत पसंद है। सो गाइज अभी हम लोग डांस क्लास के लिए निकलने वाले हैं, एंड हम लोग का खा पी के सब हो गया है, थोड़ा रेस्ट भी किया, और अभी वेदांत और एक तिलगुड़ खा रहा है। सो वेदांत आपको कैसा लगा तिलगुड़? तिलगुड़ मुझे बहुत अच्छा लगा, तिलगुड़ गया गुड़ गुड़ बोला, तिलगुड़ गया गुड़ गुड़ बोला। सो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं वेदांत का डांस के लिए। चलो
स्टिल देयर। सो गाइस हम लोग जस्ट डांस क्लास से आ गए हैं, देन अभी थोड़ी देर में तैयार हो के फिर फ्रेंड का जो न्यू शॉप का ओपनिंग है बदलापुर में, तो हम लोग वहाँ पर जाने वाले हैं गाइस। तो मकर संक्रांति में लोग ट्रेडिशनल वेयर एज अ ट्रेडिशनल वेयर ब्लैक कलर पहनते हैं, तो मैं भी ब्लैक कलर ही पहनने वाली हूँ। ब्लैक कलर का सिग्निफिकेंस तो एक्चुअली ब्लैक कलर जो है वो इन ऑस्पिशियस माना जाता है ब्लैक कलर को, बट मकर संक्रांति के दिन पे हम लोग ब्लैक कलर इसलिए पहनते हैं टू फाइट अगेंस्ट इविल, इसके लिए हम लोग ब्लैक कलर पहनते हैं। तो वो ट्रेडिशनल मैं भी फॉलो कर रही हूँ, तो मैं भी ब्लैक कलर ही पहनूंगी गाइस। तो अभी मैं तैयार होके सूरज अभी जस्ट मैराथन से आया है तो थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, फिर मैं जब रेडी सेडी हो जाऊंगी देन सूरज को उठाऊंगी और फिर हम लोग तब तक आप हमारे वीडियो को एंजॉय करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना गाइस। मैं जा रही हूँ तैयार, विदाउट योर ड्रेस इज रेडी, या बने रहना हमारे वीडियो के साथ गाइस। गाइस मैंने साड़ी पहन लिया है, इसमें मैंने ये गांव से मेरे हस्बैंड ने लाया था नेकलेस, हमारे वहाँ पर इसे पोते बोलते हैं। तो ये ब्लैक कलर का मुझे इसमें पसंद आया, एक्चुअली गोल्डन कलर का भी है बट गोल्डन कलर इसमें इतना सूट नहीं हो रहा, फिर भी एक बार ट्राई करती हूँ। देन अभी मैंने सिंदूर लगा लिया, क्योंकि ऐसे जब भी कोई फेस्टिवल्स रहता है ना तो आपको भर भर के सिंदूर लगाना चाहिए। बहुत सारी मैरिड लड़कियाँ सिंदूर लगाते नहीं है एंड उसे छुपाते हैं, तो मैं उस सब चीज़ों को बिलीव नहीं करती, मैं इसमें बिलीव करती हूँ। आप जितना बड़ा मांग भरोगे उतना ही आपका हस्बैंड का आयु होता है, मतलब आप जितनी लंबी लाइन भरोगे उतनी ही लंबी आयु, मैं ये सब चीज़ों में विश्वास करती हूँ गाइस। बाकी लोग का मुझे तो पता नहीं है बट लोग बोलते कि तू इतनी मॉडर्न हो कि भी ओल्ड थिंकिंग, मॉडर्न हर चीज़ में मॉडर्न होना ज़रूरी नहीं है गाइस, ऐसी कोई कोई चीज़ें हैं जिसमें हमको भी विश्वास करना ही पड़ता है, एंड मैं तो ये सब चीज़ों में बहुत विश्वास करती हूँ गाइस। इसलिए मैं तो जब भी कहीं फंक्शन होता है या कहीं जाना रहता है शादी में या पूजा में तो मैं भर भर के सिंदूर लगाती हूँ, डेली मैं सिंदूर तो भरती हूँ बट जब भी प्रोग्राम होते हैं तो मैं बहुत भर भर के सिंदूर डालती हूँ। तो अभी नेकलेस का ये हुआ, तो मेरे पास और एक गोल्डन नेकलेस है, मैं ट्राई करती हूँ, अगर वो सूट हुआ तो ठीक है, नहीं तो ये अच्छा लग रहा है मुझे बहुत ही, है ना। सो गाइस ये है मेरा गोल्डन नेकलेस, मैंने पहन के देखा था बट मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है जितना ये ब्लैक बहुत सूट हो रहा है, गोल्डन पहनने को पसंद नहीं आ रहा है। एक बार मैं पहन लेती हूँ आपके सामने, देखिए ये देखिए, नहीं मुझे ब्लैक ही पसंद आ रहा है, बाद में जब ये रेड साड़ी या कुछ लगाना तो उसमें मैं ये गोल्डन पहनूंगी, क्योंकि ब्लैक के साथ ये गोल्डन बहुत ही कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है, तो मुझे ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट नहीं करना है, मुझे कलर कॉम्बिनेशन वैसे ही रखना है, क्योंकि मैंने गोल्ड का चेन भी पहना है एंड मंगलसूत्र भी है, तो अगर मैं ये पहनूंगी तो वो पूरा कवर अप हो जाएगा, जो लुक है वो आपको नहीं दिखेगी, तो मैं ब्लैक पहनना ही प्रेफर करती हूँ। कैसे लगा गाइस ये हमारे गांव से लाया है इसको, और हमारी जो जितने भी मैरिड वुमेंस है वो इसे पहनते ही है, एक्चुअली ये तो जस्ट फॉर स्टाइल के लिए है, और हमारे कास्ट में रेड एंड ग्रीन का बहुत ही वैल्यू है, मतलब क्या बोलते हैं इसको, बहुत ही महत्व है, तो
एज ए मंगलसूत्र ही हम उसे मानते हैं गाइस। तो ये मैं रख दूंगी बैग। नाउ आई एम रेडी। तो अभी साड़ी तो पहन लिया है, अभी थोड़ा सा मेकअप करूंगी। काजल एंड लिपस्टिक तो मैंने सुबह ही अप्लाई कर दिया था, बट अभी थोड़ा सा स्किन केयर करना भी बाकी है। एक्चुअली सुबह डांस क्लास जाने के टाइम पे मैंने काजल एंड लाइट लिपस्टिक अप्लाई किया था, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि रेड कलर का लिपस्टिक अप्लाई करूँ तो ब्लैक एंड गोल्डन में वो खुल के दिखेगी। तो फाइनल लुक मैं आपको रेडी होने के बाद दिखाऊंगी गाइस। सो गाइस, मेरा मेकअप करके हो गया है। देखिए मैंने लिपस्टिक चेंज किया है एंड अभी जो मेन चीज़ है, हम लोग बाहर जा रहे हैं एंड ठंडी रहेगी क्योंकि ठंडी है, तो बाहर जा रहे तो आपका स्किन जो है वो रफ़ हो जाएगा। तो उसके लिए निकलने से पहले गाइस विंटर केयर करना बहुत ज़रूरी है। आपका हैंड्स एंड फेस मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है। मैंने फेस में ऑलरेडी मॉइस्चराइज़र टोनर सब करके फाउंडेशन लगा के रेडी हो गई हूँ। तो अभी मेन है हाथों में, क्योंकि हाथ खुला है देन ठंडी हवा आएगी तो आपका नेचुरली हाथों ड्राई होने वाला एकदम स्टिफ हो जाता है। तो आपको ये मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी है गाइस। तो जॉय का मॉइस्चराइज़र तो अभी मैं लगाती हूँ गाइस। वैसे आप अपना हैंड्स का केयर करना, क्योंकि अभी ठंडी बहुत है, आप लोग सब बाहर तो निकलते ही हो, घर पे तो आप बैठ के नहीं रहते हो, इसके लिए आप इस तरह से मॉइस्चराइज़र आप अप्लाई करके ही निकलना गाइस। और ये मैं आपको जॉय का मॉइस्चराइज़र क्रीम है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ पे जाके आप इसे परचेस कर सकते हैं। सो गाइस, मैं तो हो गई हूँ रेडी। अब सूरज को उठाऊंगी क्योंकि दोपहर का 2 बज गया है एंड अभी शायद से उसका 1 घंटे का नींद तो पूरा हो गया होगा, क्योंकि कल रात से निकला है क्या है। तो अभी दोपहर को 1 o'clock को आया है, तो अभी मैं उठाऊंगी क्योंकि सूरज को भी तो रेडी होना है। मैं और वेदांत तो रेडी हो गए हैं, सो अब चलते हैं सूरज को उठाने के लिए। सो हम जा रहे हैं सूरज को उठाने। ये देखिए टन 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 टन, सूरज 2 बज गया। सूरज को उठा दिया है और अभी बैठा है ये मास्टर यहाँ पे रेडी होके है, सेट नहीं किया, रुको अभी करेंगे, भूल गया टीवी देखने में, भूल गया, वाह चलो ठीक। ब्लैक एंड ब्लैक मैं वो देख रहा हूँ, ये है वेदांत। हम लोग है सब ब्लैक एंड ब्लैक में, वेदांत भी ब्लैक, सूरज मल्टी कलर में है, ऑरेंज ब्लैक येलो रेड, मैं हूँ गोल्डन और फिर भी मैच हो रहा है। तो अभी हम लोग निकलने वाले है गाइस, स्टे ट्यून। हम लोग निकल गए हैं गाइस। तो अभी मैंने ना इधर पट्टपट्टी से सामान लाया है गाड़ी में लगाने के लिए, सो अभी मैं लगाने वाली हूँ।
सो गाइस ये पुट्टपर्ती से लाया हुआ है और यहाँ पर कार में लगाने के लिए, तो अभी मैं इसे यहाँ पर लटका दूँगी। तो गाइस मम्मी अभी लगा रही है। इधर लगाओ ना, मैं तो इधर से ऐसे लटका के करने का था। तो कच्चा रोड है, कच्चा खड्डा खड्डा है, तो ये हम लोग ने लगा दिया है। सो गाइस ये है ममता लोगों का न्यू शॉप जो कि है बदलापुर में, बहुत ही अच्छा जगह पर है एंड बहुत ही बड़ा शॉप लिया है और यहाँ पर सब कुछ रखा है, ग्रोसरी से लेके हर चीज़ यहाँ पर है गाइस। तो आप लोग भी यहाँ पर आके शॉपिंग कर सकते हैं गाइस। क्या हुआ? क्या हुआ? व्यू देखो दीदी अंदर। व्यू देखो यहाँ से कौन सा है? अच्छा यहाँ से गैलरी। वाओ मोबाइल फाट करके नीचे गिरेगा। अच्छा है, मस्त है। सब अंदर कंस्ट्रक्शन है, सब बिल्डिंग बन रही है ना। हाँ मस्त है व्यू, पहाड़ का व्यू। सो गाइस अभी हम लोग खा रहे हैं राजस्थानी स्पेशल दाल बाटी एंड हलवा शीरा। सो गाइज आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। जस्ट हम लोग घर पे आ गए हैं घूम घाम के, आज का दिन यही समाप्त होते हैं और मैं भी वीडियो को यही एंड करती हूँ। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और शेयर अपने फैमिली और फ्रेंड्स को करना। टिल देन बाय बाय।